ईंधन टैक्स जीवी मोदी सरकार देश की जनता के लिए अभिशाप बन गई है। पेट्रोल डीजल टैक्स जीवी मोदी सरकार देश की जनता के लिए अब एक भयभीत करने वाले भूत की तरह है। मई 2014 से आज तक पेट्रोल और डीजल पर टैक्स लगाकर मोदी सरकार ने 21 लाख 50 हजार करोड़ रुपए की लूट इस देश की जनता से की है। बीजेपी का नया नाम बन गया है भयंकर जनलूट पार्टी। 11 दिन से लगातार पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं। 1 मई 2019 यानी दूसरा कार्यकाल संभालने से आज तक पेट्रोल की कीमतों में 15 रुपया 21 पैसे प्रति लीटर और डीजल की कीमतों में 15 रुपया 33 पैसे प्रति लीटर का इजाफा या बढ़ोतरी हुई है। और हमने कैलकुलेट करने की कोशिश की, मई 2019 से आज तक मोदी जी ने 200 बार के करीब या उससे अधिक पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ा दी हैं। मोदी सरकार दोनों हाथों से देश की जनता की जेब लूट रही है और उनकी गाड़ी कमाई पर डाका डाल रही है। एक तरफ चौतरफा महंगाई की मार है और दूसरी तरफ पेट्रोल डीजल और गैस के दामों की भरमार है। देश के कई हिस्सों में तो पेट्रोल 100 पार और डीजल 90 पार हो गया है। इसीलिए हम जनमानुष कह रहा है कि मोदी जी का एक ही नारा है, हम दो हमारे दो, डीजल 90 पेट्रोल 100। अब यह लगता है कि यह देश में मोदी जी को चरितार्थ करने के लिए नारा बन गया है। शर्मनाक बात यह है कि पेट्रोल और डीजल पर टैक्स पर टैक्स, टैक्स पर टैक्स लगाकर खुली लूट करने के बावजूद प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी इसका आरोप भी कांग्रेस पार्टी पर मंडकर अपना पिंड छुड़वाना चाहते हैं। इसलिए आज देश के समक्ष हम केवल 5 तथ्यों में 26 मई 2014 को जब कांग्रेस यूपीए की सरकार गई और मोदी जी आए तो कच्चे तेल की कीमत थी $108 प्रति बैरल। यह कागज मैं आपको रिलीज कर रहा हूं, यह पीआईबी का 26 मई 2014 का प्रेस रिलीज है, आपके अभी ईमेल पर आ जाएगा। 19 फरवरी 2021 को यानी आज कच्चे तेल की कीमत है $63.65 प्रति बैरल। ये भी भारत सरकार जो कि जो हमारी तेल कंपनियां रिलीज करती हैं, ये कागज उनका है आज का, समेत इसके इंडियन रुपीस में कितने पैसे बनते हैं ये कागज भी मैं आपको रिलीज कर रहा हूं। इसके बावजूद जब $108 कच्चा तेल था तो पेट्रोल की कीमत थी ₹71.51 प्रति लीटर। जब कच्चा तेल घटकर $63 प्रति बैरल हो गया तो पेट्रोल की कीमत दिल्ली में है ₹90.19 और बाकी देश में ₹100 प्रति लीटर। यानी कच्चे तेल की कीमत 41% कम हो गई और पेट्रोल की कीमत 26% बढ़ गई, यह सच्चाई। इसी प्रकार 2014 में डीजल की कीमत थी ₹57.28 प्रति लीटर। जब कच्चा तेल $108 प्रति बैरल था तो डीजल ₹57 प्रति लीटर था। आज कच्चा तेल $63 प्रति बैरल है परंतु दिल्ली में डीजल की कीमत ₹80.60 प्रति लीटर है और बाकी देश में लगभग ₹90 प्रति लीटर है। यानी कच्चे तेल की कीमत 41% कम हो गई
और डीजल की कीमत 40% बढ़ गई। यह है सच्चाई। दूसरा, आज यानी 19 फरवरी 2021 को कच्चे तेल की कीमत के आधार पर देश में पेट्रोल की कीमत होनी चाहिए 32 रुपया 72 पैसे प्रति लीटर और डीजल की कीमत होनी चाहिए 33 रुपया 46 पैसे प्रति लीटर। यह भी हम नहीं कह रहे, 12 पैसे प्रति लीटर, यह भी हम नहीं कह रहे। बाकायदा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन बेस प्राइस और टैक्स का अलग 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 आंकड़ा रिलीज करता है और उनका आखिरी आंकड़ा 16 फरवरी 2021 को उन्होंने रिलीज किया है। उसके बाद 90 पैसे कीमत और बढ़ी है, तो हमने 90 पैसे और जोड़ दिए। वो कागज भी मैं आपको इस समय रिलीज कर रहा हूं। तो भारत सरकार खुद मानती है, यह हम नहीं कह रहे, कागज आपको आ रहा है, भारत सरकार मानती है कि आज पेट्रोल की कीमत है 32 रुपया 72 पैसे प्रति लीटर और डीजल की लागत है 33 रुपया 46 पैसे प्रति लीटर। तो मोदी जी, 32 रुपये की लागत वाला पेट्रोल आप 90 और 100 रुपए पे क्यों बेच रहे हैं? 33 रुपए की लागत वाला डीजल आप 80 और 90 रुपया लीटर पर क्यों बेच रहे हैं? इसका कारण साफ है, क्योंकि मोदी सरकार ने डीजल पर 820% एक्साइज ड्यूटी लगा दी है और पेट्रोल पर 258% एक्साइज ड्यूटी लगा दी है अतिरिक्त, और जनता की जेब पर डाका डाला है। तीसरा पहलू, और चौंकाने वाली बात यह है कि मई 2014 से जनवरी 2021 के बीच में यह 820% और 258% जो अतिरिक्त एक्साइज ड्यूटी मोदी जी ने बढ़ाई है, इससे उन्होंने कुल पैसा इस देश के आम जनमानस, नौकरी पेशा, मिडिल क्लास, किसान, गरीब, स्कूटर, ट्रैक्टर चलाने वाले, कार चलाने वाले आम जनमानस से जो वसूला है वो है 21,50,000 करोड़ रुपया। अकेले जो साल खत्म हुआ है 2020-21 में, और ये बजट का डेटा है, मोदी सरकार ने इस बजट में लिखा है कि साल जो खत्म हुआ उन्होंने पेट्रोल डीजल पर टैक्स से अकेले 3,46,000 करोड़ रुपया कमाया। और उनका यह अनुमान है कि चालू साल के अंदर इस देश के 130 करोड़ लोगों की जेब से 4,00,000 करोड़ रुपया टैक्स में और निकालने वाले हैं। यह सच्चाई। चौथा, प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि पिछली सरकारों ने कच्चे तेल का उत्पादन नहीं किया, परंतु आंकड़े क्या कहते हैं उनकी कंपनियों के? घरेलू कच्चे तेल का उत्पादन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सालाना 53,66,000 मीट्रिक टन गिर गया, कम हो गया। ये मैं नहीं कह रहा, ये उनकी कंपनियों के आंकड़े बताते हैं। घरेलू कच्चे तेल का उत्पादन मोदी सरकार में सालाना 53,66,000 मीट्रिक टन कम हो गया। यूपीए एक और यूपीए दो कांग्रेस के कार्यकाल में घरेलू कच्चा तेल देश की कुल खपत का 23.4% उत्पादन था, 23.5% कुल खपत का कच्चा तेल हम अपने देश में पैदा करते थे। मोदी जी जब से आए हैं ये अब 15.5% 15.8% हो गया है। तो यानी अगर हम 100 लीटर तेल में से अगर 23.5 लीटर खुद घर में पैदा करते थे तो अब ये 15.5 लीटर हो गया है। ये मोदी जी की वास्तविकता है, और ये भी मैं नहीं कह रहा, ये भी एक प्रॉपर चार्ट जो है
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वेरीफाइड और सर्टिफाइड, और उसमें हर साल कितना उत्पादन हो रहा है वो मैं आपको रिलीज कर रहा हूं। ये मोदी सरकार के आंकड़े, ये हमारे नहीं। सच्चाई ये है कि साल 2020 में घरेलू कच्चे तेल का उत्पादन पिछले 18 साल में सबसे कम है। क्या मोदी जी जवाब देंगे? पांचवां और आखिरी पहलू, इस देश का 63% कच्चा तेल सरकारी नवरत्न कंपनी ONGC पैदा करती है, बाकी प्राइवेट सेक्टर में। मोदी जी ने इस सरकारी नवरत्न कंपनी ONGC का बजट ही इस साल काट दिया। पिछले साल इसका बजट था 32,501 करोड़ रुपया, इस साल निर्मला जी ने उस पर कैंची लगाकर उसे 29,800 करोड़ कम करके। तो कहां से पैदा होगा? और यही नहीं, गुजरात की एक डूबी हुई कंपनी जहां फ्रॉड हुआ था और जिसके बारे में आपको मालूम है, गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कॉरपोरेशन, GSPC और ऐसी दूसरी कंपनियां जबरन ONGC को बेचकर मजबूर किया कि वो 25,000 करोड़ का बाजार से कर्जा उठाए, यानी और बोझ बढ़ गया। और तीसरा, ONGC कच्चे तेल की खोज का बजट ONGC का, जब हमने सरकार छोड़ी तो 11,700 करोड़ रुपया था। मोदी जी ने उसे भी 63% कम करके साल 2020 में कच्चे तेल की खोज का ONGC का बजट 4,330 करोड़ रुपया कर दिया। प्रधानमंत्री जी बातें तो बहुत करते हैं पर सच कभी नहीं बोलते। इन बातों का जो उनके सरकारी आंकड़े हैं, जवाब दीजिए। यह सबूत है कि जो 63% कच्चा तेल घर में पैदा करने वाली नवरत्न कंपनी ONGC है, उसे मोदी सरकार जानबूझकर बर्बाद कर रही है। साथियों, इसलिए हमारी यह मांग है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की यह मांग है कि मोदी सरकार तेल का खेल और तेल की लूट बंद करे और देश के 130 करोड़ लोगों को पेट्रोल और डीजल के दामों में कटौती कर राहत दे, क्योंकि मोदी सरकार के मुताबिक आज भी पेट्रोल की जो लागत है वो 32 रुपया लीटर है और डीजल की लागत 33 रुपया लीटर है। तो हमसे फिर 190 रुपया लीटर क्यों ली जा रही है? प्रधानमंत्री स्वयं आगे आकर देश को यह बताएं।